मैंने एक लड़की को एसएमएस किया, हाय हाउ आर यू अनामिका। लड़की ने रिप्लाई किया, हु आर यू, नंबर कहाँ से मिला, कौन हो तुम। मैंने कहा आपके फ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया। उसने कहा आप एक अच्छी लड़की हो और मैं भी बहुत हैंडसम हूँ, हम दोनों की जोड़ी एक नंबर लगेगी। इसके जवाब पर तुम ये भी बोल सकते हो आपके फ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया। वो बोल रही थी हमारे बीच बहुत कुछ कॉमन है, हमारे पसंद मिलते हैं, हमें मिलना चाहिए। जैसे हम लड़के फ्रेंड्स को लड़की का नंबर देते हैं और कहते हैं भाई एक नंबर लड़की है पटा ले, बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए। सेम उसी तरह लड़कियां भी लड़कों का नंबर शेयर करती है। उसके बाद उसने कहा तुम हो कौन और नंबर किसने दिया। मैंने मेरा पूरा आइडेंटिटी बताया, नाम, कहाँ रहता हूँ और क्या करता हूँ सब। मैंने कहा वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी भी फ्रेंड है, सो उसने कसम दिया उसका नाम ना लूँ, वो खुद बताएगी बोली। यहाँ एक बात ध्यान रखना, लड़कियों को अनजाने लोगों से डर लगता है, कहीं उसका भाई या रिश्तेदार उसका कैरेक्टर चेक करने के लिए या फ्रेंड मजाक तो नहीं कर रहा। इसीलिए लड़की को पूरा आइडेंटिटी बताना चाहिए, वो झूठी क्यों ना हो लेकिन आइडेंटिटी बताओ। और अगर वो अपने फ्रेंड का नाम पूछे कि नंबर किसने दिया तो उसको अभी नहीं बताना है, और जब बताओगे तो किसी लड़की का नाम लेना है। अनामिका ने कहा कौन से फ्रेंड ने नंबर दिया, नाम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। मैंने कहा यार आप बात करो या ना करो, उसने कसम दी है नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। उसने कहा मुझे मैसेज मत करना, बाय। मेरे बात करने के तरीकों को ध्यान से देखोगे तो समझोगे मेरी हर बात कोई ना कोई सवाल पैदा कर रही है। लड़की ना चाहते हुए मुझसे बात कर रही है। अनामिका के दिमाग में बहुत सारे सवाल है और जब तक मैं अनामिका के सारे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो अब लड़कियों वाले हरकतों में आ गई, बोलने लगी मुझे मैसेज मत करना, पहले नाम बताओ मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। मैंने कहा भैया बड़े खुश होंगे मेरा कंप्लेंट करोगे तो। जैसे उसने मजाक में मुझे धमकी दी मैंने वैसे ही मजाक में कहा पुलिस में मेरा भैया है। उसने कहा मैसेज मत करना। मैंने करीब एक हफ्ते के बाद उसे फिर मैसेज किया, आज हमारे यहाँ धमाकेदार बारिश हो रही है, मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। उसने कहा अच्छी बात है, मुझे क्यों बोल रहे हो, दोबारा मैसेज मत करना। फिर 5 दिन बाद मैंने फिर मैसेज किया, आज मेरी मम्मी ने चिकन बनाया है, मेरी मम्मी बहुत बढ़िया चिकन बनाती है। उसने कहा अच्छी बात है आप ही खाओ, मुझे नहीं खाना, मैसेज मत करना। फिर 3 दिन बाद मैंने फिर मैसेज किया, आज हम सब शिव मंदिर घूमने जा रहे हैं। उसने पूछा कहाँ कौन कौन जा रहे हो, आज उसने मुझे नहीं कहा, मैसेज मत करना। देखो जनरली होता क्या है, लड़कों के पास लड़की का नंबर आते ही वो उल्टे सीधे मैसेज भेजते हैं, दुख भरी शायरी भेजते हैं, इतने सारे मैसेज लड़की पढ़ भी नहीं पाती और लड़का यह उम्मीद लगाए बैठा होता है लड़की मैसेज से इम्प्रेस होगी और खुद ही बात शुरू करेगी और लड़की पढ़ जाएगी। यहाँ लड़की परेशान होती है कि फालतू के मैसेज कौन भेज रहा है, उसके घर वालों को पता चल गया तो। लड़की यह सिर्फ सोच ही रही होती है लड़का उसको मैसेज करता है, क्या हुआ यार बात क्यों नहीं कर रहे हो, नाराज हो क्या। और लड़की परेशान ना भी हो तो लड़का पहले 2 दिन में सारी बातें कर लेता है, उनके पास बात करने के लिए और कुछ होता ही नहीं है, कोई टॉपिक ही नहीं बचता। लड़का सिर्फ हाय लिखकर इंतजार कर रहा होता है कि लड़की आगे से बात शुरू करेगी। भाई लड़कियों को भी बात करना पसंद होता है लेकिन बात का कोई डायरेक्शन तो हो। अगर तुम्हारी बात का कोई डायरेक्शन हो तो लड़की हाँ या ना में रिप्लाई तो जरूर देगी। हमें अगर टेलीमार्केटर्स के कॉल्स आते हैं या मैसेज आते हैं, कंपनी वाले फोन करते हैं मैसेज करते हैं तो कम से कम हम एक बार पढ़ लेते हैं। उसके उल्टा अगर कोई बार बार कॉल करता है या मैसेज करता है, परेशान करता है, तो हम उसे ब्लॉक कर देते हैं। सेम ऐसा लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कियां भी यही करती है। देखो मैं बात करने के लिए टाइम ले रहा हूँ, मैं पहले 1 हफ्ता फिर 3 दिन मैं टाइम कम करते जा रहा हूँ और बातों को बढ़ाते जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, पहले 2 दिन में सारी बातें कर लेते हो फिर बात करने के लिए सिर्फ हम ओके बाय अच्छी बात है बस यही बच जाता है। फिर 2 दिन बाद मैंने उसे फिर से मैसेज किया, मेरी मम्मी और भाभी छत पर पतंग उड़ा रही है, उस दिन संक्रांति का त्यौहार था, हमारे यहाँ पतंग का उत्सव होता है। उसने कहा वाओ बढ़िया है, तुम्हारी एक फ़ोटो भेजो ना। मैं जानता था मैं अगर उसे फ़ोटो भेजूंगा तो वो मुझसे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने उससे जब कहा था कि हमारी जोड़ी बहुत प्यारी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, वो तब से मुझे देखना चाहती है। लड़कियां बचपन से इसी दिन का ही तो इंतज़ार कर रही होती है कि उनकी जोड़ी कैसी लगेगी। मैंने कहा हम जब मिलेंगे तब देख लेना। देखो अगर तुम किसी लड़की का फोटो देखकर ही उसकी तारीफ कर दो तो देखना वो लड़की तुमसे बात भी नहीं करेगी और ना ही मिलेगी। लड़कियां इतना मेहनत करके सज धज कर इसलिए मेकअप करती है कि कोई उनकी तारीफ करे।
अगर तुम फोटो में ही उसकी तारीफ कर दोगे, वो क्यों सजेगी, क्यों मेकअप करेगी और क्यों मिलेगी। सोशल नेटवर्किंग पर भी ऐसा ही होता है। जो लड़का कमेंट में लड़की की तारीफ करता है, लड़की उससे मुंह भी नहीं लगाती, ना मैसेज का रिप्लाई देती है ना कमेंट का। अभी हम दोनों में बहुत सारी बातें होती थी। वो हर रोज मुझे पूछती थी कि सहेली का नाम बताओ, तुम्हारा एक फोटो भेजो, और मैं रोज रोज बहाना बनाकर उसे टालता जाता था। अनामिका खुद ही बोलने लगी, मिलते हैं संडे को आओ, और मैं टालता जाता। फिर मैंने एक बढ़िया सा दिन निकाला और उसे कॉल किया, मुझे तहसील ऑफिस में फॉर्म सबमिट करना है जो कि तुम्हारे शहर में है। तुम्हारे पास बाइक है ना? मुझे बाइक की जरूरत है, पेट्रोल मैं डाल दूंगा। वो बोली, ठीक है मेरे पास बाइक है, पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं, आ जाओ। देखो यहाँ एक बात ध्यान देना, अगर तुम लड़की से कहो कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तो हो सकता है वो लड़की तुमसे ना मिले, क्योंकि मैंने उसे इतने दिन से सताया है तो वो तो सताएगी ना। या हो सकता है कि मुझे दूर से देखकर ही चली जाए। लेकिन जब मैंने मेरी जरूरत बताया और अनामिका से मेरी हेल्प करने का वादा लिया, तो वो मुझसे मिलने जरूर आएगी। लड़कियां वादा जरूर निभाती है। मैं उसके शहर गया, वो बाइक लेकर मुझसे मिलने आई। बहुत अमीर घर की लड़की थी, मेकअप करके आई थी, इसलिए बहुत अच्छी भी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने फ्रेंड का नाम पूछा, मैंने उसके फ्रेंड का नाम बताया। उसकी बाइक में हम करीब 4 घंटे तक घूमे। उसने मुझसे पूछा, तहसील ऑफिस नहीं जाना? मैंने कहा, ऑफिस का काम हो गया। फिर वो मुझे रेस्टोरेंट ले गई, हमने पिज्ज़ा खाया। उसके बाद क्या हुआ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।